सोच रहे हैं कि हम लोग आंदोलन करेंगे कलेक्टरेट के सामने ही, तो कोविड के चलते हम लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम लोग का यही इच्छा है कि आंदोलन करेंगे। विकास देखने के लिए कुछ कुछ तो प्रयास किया गया, बट वो सुचारू रूप से बढ़िया नहीं काम हो पाया। जैसे हॉस्पिटल के लिए लगाया गया कि हॉस्पिटल हो, लेकिन हॉस्पिटल तो चालू हुआ नहीं। कंपनी की बात रह गई तो चालू हुआ, बट एक डेढ़ साल में ही वो बंद हो गया। नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दिया हुआ हॉस्पिटल 4 करोड़ प्लस का है, लेकिन पेपर से ऑनलाइन इसमें चालू है, लेकिन आज तक ले ना एगो डॉक्टर है ना एगो कंपाउंडर है कोरोना महामारी के। नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं News4Nation। लगातार विपक्ष है जो लगातार सरकार पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। हमला इसलिए वो कर रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं जो अस्पताल की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। तो लगातार कहीं ना कहीं कोरोना काल में ऑक्सीजन, डॉक्टर व बेड को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। तो व्यवस्था जो है बिल्कुल ही बिहार में जो है वो बिल्कुल ही बेहाल हो गया है और लोगों को काफ़ी इससे दिक्कत हो रही है। इसी बीच हम नवादा के खनमा गांव, जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की ननिहाल है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की ननिहाल है, और यहां पर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया लगभग 3 वर्ष पहले। आप मेरे पीछे देख रहे थे किस प्रकार से एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी है, काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, लेकिन यह बिल्डिंग सिर्फ शोभा का वस्तु बन के रह गया है। ना यहाँ पर किसी डॉक्टर है और ना ही आज तक इस बिल्डिंग में कोई डॉक्टर यहाँ आए। हमारे साथ यहाँ गांव के तमाम लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं और हम आज उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है जो यहाँ की जो अस्पताल है वो बिल्कुल अब तक चालू नहीं हुई है और क्या कारण रहा है। लेकिन आपको बता दें तो लगातार विपक्ष है जो लगातार ये सवाल उठा रही है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो व्यवस्था बिल्कुल ही बिहार में चरमरा गई है और जहाँ भी देखिए ऑक्सीजन लेकर दवाई व अस्पताल के बेड पर चर्चा होती है। अब हमारे साथ ये गांव के है, क्या कुछ लगता है अस्पताल कब से बंद है, क्या व्यवस्था यहाँ होती है? 5 साल से मृत प्राय है, 5 साल से मृत प्राय है, ना कुर्सी है ना कोई बेड है ना कुछ, चालू है आज तक नहीं हुआ है। तो इसके पीछे सरकार का कोई मंशा भी नहीं चालू करने का। टीकाकरण होता है घर से ही, कुर्सी ला कर सब स्टाफ को बैठाते हैं। बोलिए 4 करोड़ पूंजी लगा हुआ बिहार गवर्नमेंट का, लेकिन इसका कोई रख रखाव नहीं है। अगले साल ऐसा ना होगा हम लोग कटुए न रखेंगे, क्या करेंगे, इसका उपयोग में लाए ले आवेंगे क्या? अगर चालू नहीं होता तो इसका उपयोग में हाँ चालू नहीं होगा। हम लोग ग्रामीण ये सोच रहे हैं कि हम लोग आंदोलन करेंगे कलेक्टरेट के सामने ही, तो कोविड के चलते हम लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम लोग का यही इच्छा है कि आंदोलन करेंगे। तो आप देख रहे थे गांव के ग्रामीण हैं, उनके द्वारा क्या कुछ और भी कुछ लोग हैं जो यहां पर पहुंचे हैं। जब News4Nation की टीम यहां पहुंचते तो गांव के लोग अपने बातों क्या कुछ आप लोग कहिएगा। पहले तो आप लोग के हम अपील करेंगे तो आप लोग जो भी लोग हैं सभी लोग मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और सामाजिक दूरी का पालन सभी लोगों को करना है गाँव में, क्योंकि जब हम ही लोग इसका अगर पालन करेंगे तभी कोरोना का संकट हम लोग दूर होंगे। सबसे पहले नाक को भी आप लोग झाँप लीजिए, क्या कुछ कहिएगा आज? अभी जो काल चल रहा है COVID-19 का, यदि हॉस्पिटल में सब स्टाफ रहते तो 30 बेड के रूप में दिया गया था। COVID-19 का हो या कोई भी चीज़ का हो, 30 बेड के लिए इसे उद्घाटन करने का संकल्प लिया गया था माननीय गिरिराज बाबू के द्वारा। तो अभी यहाँ 30 लोग का बेड, जिस तरह से महामारी में बेड की कमी है, 30 बेड की तो यहाँ उपयुक्त रहते ना, जो कि यहाँ 1 बेड भी नहीं है। और 1 बेड की तो बात दूर है, 1 स्टाफ का कोई अभी यहाँ सुचारू रूप से स्टाफ ही नहीं आ पा रहे हैं और ना ही यहाँ का कोई प्रबंधन व्यवस्था है। यहाँ तक कि नामकरण क्या है वो ग्रामीण को समझ में नहीं आ पा रहा है। इसका उद्घाटन हुई है? उद्घाटन तो इसका अभी नहीं हुई है, और लेकिन बिल्डिंग बन करके तैयार है। अब बार बार कहा जाता है कि ऑनलाइन उद्घाटन होगा और कब उद्घाटन होगा इसका कोई समझ में किन्हीं को नहीं आ रहा है। ये लगभग 4 साल से बार बार बोला जाता है कि उद्घाटन होगा, अब कब उद्घाटन होगा, क्या उद्घाटन होगा, क्या स्टाफ आएंगे, ये तो एकदम भगवान भरोसे हैं। खनमा जो गांव है वो माना जाता है कि खनमा गांव बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की ननिहाल है, और इसी गांव को नवादा के पूर्व में रहे सांसद और अभी वर्तमान में रहे बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने गोद लिया था। क्या यहां का विकास देखने को मिली? विकास देखने के लिए कुछ कुछ तो प्रयास किया गया, बट वो सुचारू रूप से बढ़िया नहीं काम हो पाया। जैसे हॉस्पिटल के लिए लगाया गया कि हॉस्पिटल हो, लेकिन हॉस्पिटल तो चालू हुआ नहीं।
कंपनी की बात रह गई तो चालू हुआ बट एक डेढ़ साल में ही वो बंद हो गया। तो ऐसा कुछ यहाँ जो होना चाहिए था वो पूर्ण रूप से औद्योगिक रूप से नहीं हो पाया जी। आज जो कोरोना के इस महाकाल में जो सारे लोग अस्त व्यस्त हैं, कहीं सुविधा नहीं है, और खनवा के जो प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू का ये सपना था कि वहाँ पे एक बढ़िया हॉस्पिटल हो जिससे सारे अगल बगल लोग सुविधा मिले हैं, लेकिन ना आज तक उस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, ना कहीं कोई बात है, ना डॉक्टर बैठते हैं, ना कोई व्यवस्था है, जिससे काफ़ी ग्रामीणों को यहाँ परेशानी होती है, सबको नवादा हिस्सा दौड़ना पड़ता है, जिससे काफ़ी लोगों को तकलीफ का सामना उठाना पड़ता है। और मैं नीतीश कुमार से ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जो अस्पताल की सुविधा है उसको दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को आराम हो। इस कोरोना काल के समय में जिस तरह से लोगों को व्यवधान पैदा होता है वहाँ पे उसको ध्यान दिया जाए। नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दिया हुआ हॉस्पिटल 4 करोड़ प्लस का है, लेकिन पेपर से ऑनलाइन इसमें चालू है, लेकिन आज तक ले नया वो डॉक्टर है, नया वो कंपाउंडर है। कोरोना महामारी के महामारी के वजह हम लोग जो ऐसे इस तरह से झुलस रहे हैं, जो कि कहना नहीं, यहाँ से 12 किलोमीटर सिरदल्ला और 4 किलोमीटर जो ऐसे नरहट, हम लोग को एक टीकाकरण भी देना पड़ता है तो जाना पड़ता है, यही तो है। और ना यहाँ एगो कुर्सी है, ना यहाँ एगो पंखा है, ना यहाँ एगो बेड है। तो क्या यहाँ डॉक्टर तो आए ही नहीं तो रहेगा? डॉक्टर कंपाउंडर है ये नहीं सर, डॉक्टर तो दूर के बात है। यहाँ का जो भी मतलब होता है नरहट, नहीं तो सिरदल्ला जाइए, 12 किलोमीटर यहाँ से दूरी। क्या मांग है? हम लोग को मांग है कि हॉस्पिटल को चालू किया जाए और यहाँ डॉक्टर और कंपाउंडर और नर्स का व्यवस्था किया जाए, जो कि कम से कम फर्स्ट स्टेज के लिए यहाँ जो ऐसे ट्रीटमेंट हो जाए, डिलीवरी है नॉर्मल, टाका पड़ना रहे, मतलब गोड़ हाथ किसी का टूट जाए तो मैंने बैंडेज प्लास्टर हो जाए। यहाँ पर जो जनता है उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते यहाँ के, आपको हम तस्वीर दिखाएंगे तो किस प्रकार से यहाँ के तस्वीर है। डॉक्टर के जो रूम है वो रूम की तस्वीर आ देखिएगा तो आप समय, पूरी अस्पताल चारों तरफ से ताला बंद है, यहाँ पर गार्ड की सुविधा है, गार्ड यहाँ पर रहते हैं और वो जो है पूरी जानकारी भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्हें कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन आपको बता दें तो लगभग 3 करोड़ की लागत से ये अस्पताल का निर्माण किया गया है और अभी तक जैसा ग्रामीण भी बताते हैं और हमें भी जानकारी थी, यहाँ पर ना ही कोई स्वास्थ्यकर्मी आए है और ना ही कोई डॉक्टर की बहाली हुई है। इससे साफ पता चलता है बिहार में अस्पताल की व्यवस्था क्या कुछ है।